किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का कहीं टूल तो नहीं बन गई ग्रेटा थनबर्ग? किसान आंदोलन को समर्थन देने से चर्चा में आई ग्रेटा थनबर्ग सुर्खियों में छाई हुई। 18 साल की स्वीडिश पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कल किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। इसके बाद ट्विटर पर ग्रेटा ने एक टूल किट नाम का डॉक्यूमेंट शेयर किया, जिस पर सोशल मीडिया में हंगामा खड़ा हो गया। इस टूल किट में किसानों को लेकर सोशल मीडिया पर कैसे समर्थन जुटाया जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इस टूल किट के जरिए 4 और 5 फरवरी को ट्विटर पर तूफान मचा देने का आह्वान किया गया था। इसमें कहा गया था कि भारतीय किसानों को समर्थन देने के लिए हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट और स्टैंड विद फार्मर्स का इस्तेमाल करने की ताकीद की गई थी। इसमें सरकार के प्रतिनिधियों को कॉल करने और साथ ही ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने की बात भी दर्ज थी। दुनिया भर में नजदीक के भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस या सरकारी दफ्तर के पास 13 और 14 फरवरी को प्रदर्शन करने की भी बात कही गई थी। टूल किट का अर्थ होता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर एक व्यवस्थित योजनाबद्ध ढंग से सुनियोजित ऐसा उपद्रव क्रिएट करने के लिए एक उपकरण बना रहे हैं। तो अब मेरे विचार से जो कोई ये कहे कि यह स्वाभाविक नैसर्गिक आंदोलन था जो परिस्थिति जन्य था, यह पूरी तरह निराधार सिद्ध हो गया है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लेकर देश और विदेश के बड़े बड़े अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, कृषि के विशेषज्ञों की बातें उचित नहीं लगती हैं, उन्हें विदेश के महंगे व्यावसायिक मनोरंजनकर्ताओं की बातें ज्यादा बेहतर लगती हैं, क्यों इतना विदेश के प्रति आपका अनुराग है? असामाजिक तत्व पूरी दुनिया भर के किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए और भारत की सुरक्षा को बर्बाद करने के लिए। और अब कश्मीर इनका मुद्दा खत्म हो चुका है। कश्मीर मुद्दा खत्म होने के बाद खालिस्तान का मुद्दे को जागृत करना चाहते हैं और वही जागरण में बहुत सब लोग शामिल हैं। ग्रेटा थनबर्ग के इस टूल किट पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसे डिलीट कर दिया और इसके बाद उन्होंने एक अपडेटेड टूल किट को ट्वीट कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग ने इस टूल किट को ट्वीट करते हुए लिखा, अगर आप भारत में आंदोलन कर रहे लोगों की मदद करना चाहें तो ये उनका अपडेटेड टूल किट है। उन्होंने अपना पिछला दस्तावेज हटा दिया क्योंकि यह पुराना हो गया था। ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ट्विटर पर शेयर किया है उसके खिलाफ अब भारत में एक्शन शुरू हो गया है। इस टूल किट को बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस मामले में धारा 124A, 153A और 120B के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये FIR टूल किट के ऑथर के नाम है। FIR में किसी का नाम दर्ज नहीं है। इस मामले की जाँच साइबर सेल को सौंपी गयी है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये ग्रेटा थनबर्ग आखिर है कौन, क्यों ये हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रही है। 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। ग्रेटा की मां मलेना ओपेरा सिंगर हैं और पिता स्वांते थनबर्ग अभिनेता। पर्यावरण को लेकर अपने विचार रखने की वजह से कम उम्र में ही ग्रेटा मशहूर हो गई। अगस्त 2018 में जब ग्रेटा 15 साल की थी तब उन्होंने पर्यावरण को लेकर स्वीडन की संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके बाद पूरे स्वीडन में फ्राइडे फॉर क्लाइमेट आंदोलन शुरू हो गए। 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज सम्मेलन को संबोधित किया था। 11 दिसंबर 2019 को ग्रेटा को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। ग्रेटा दुनिया के बड़े मंचों पर पर्यावरण को लेकर अपनी बात रखती रही है। 2019 में ही ग्रेटा का नाम फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया की 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया। 2019 और 2020 में लगातार 2 साल ग्रेटा को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अपने एक्टिविज्म के चलते वो कई बार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर भी रही हैं। भारत में आंदोलनकारी किसानों के समर्थन की मुहिम से अभी भी ग्रेटा पीछे नहीं हटी है। उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है, मैं अभी भी किसानों के साथ खड़ी हूं और उनके शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करती हूं। नफरत, धमकी या मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे बदल नहीं सकेगा। तो क्या ग्रेटा थनबर्ग भारत के खिलाफ साजिश का एक हिस्सा है? ये सवाल इस नाते उठ रहा है क्योंकि ग्रेटा ने ट्विटर पर जो टूल किट शेयर की है उसे भारत के खिलाफ साजिशों की किट के तौर पर देखा जा रहा है।
ये टूलकिट इशारा कर रही है कि भारत में हिंसा भड़काने की साजिशों में किस तरह विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।